हाँ जी बेटा, हुण करदे नैक्सट थर्ड एग्जाम्पल, ध्यान दे नाल समझियो बेटा। गिवन है इफ वाई इज इक्वल्स टू टू अपॉन रूट ए स्केयर माइनस ए स्केयर टैन इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टैन एक्स बाय टू, प्रूव दैट डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन ए प्लस बी कॉज एक्स। ये प्रूव करना आपां। सो सब तो पहले आपां जिहड़ी वी आपां नूं वाई गिवन है उहनूं लिखदे हाँ, तो डिफरेंशिएट करते हैं ए स्केयर माइनस बी स्केयर टैन इनवर्स रूट ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू टैन एक्स बाय टू, राइट। सो हुण डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करांगे डेरीवेटिव ऑफ वाई दैट इज़ डी बाय डी एक्स, तो कॉन्सटेंट टर्म है, कॉन्सटेंट टर्म नूं असीं बाहर निकाल लवांगे कॉमन। नैक्सट टैन इनवर्स, टैन इनवर्स यानी वन अपॉन वन प्लस एक्स, यानी ये पूरा फंक्शन है अपने को। एक्स स्केयर यानी रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टैन एक्स बाय टू द स्केयर इंटू डिफरेंशिएट किनू करांगे असी उहदे बेस नू, बेस यानी कि पूरा टैन इनवर्स का बेस है ए माइनस बी ए प्लस बी टैन एक्स बाय टू, इहदा डेरीवेटिव लवांगे, ठीक है बेटा। सो हुण आ गया अपने कोल टू अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर वन प्लस, सॉरी वन अपॉन वन प्लस, देखो बेटा स्केयर हो रहा है, स्केयर ना अंडर रूट की होजूगा कैंसल, बच्चा कि ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो टैन का की होजूगा स्केयर टैन स्केयर एक्स बाय टू, समझ गया। हुण नैक्सट बेटा डिफरेंशिएट करांगे, तो कॉन्सटेंट टर्म है एज इट लिखांगे असी, डेरीवेटिव ऑफ टैन एक्स बाय टू दैट इज सेकेंड स्केयर एक्स इंटू डेरीवेटिव एक्स बाय टू का की आजूगा वन बाय टू, ओके। हुण दैन एलसीएम लैने पहला, एलसीएम लवेंगे ए प्लस बी आ जूगा, तो बाद विच ए प्लस बी रेसीप्रोकल करांगे तो उपर चलिया जाऊगा, ए की आ गया ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस की आ रहा ए माइनस बी इंटू टैन स्केयर एक्स बाय टू, राइट बेटा। दैन की आ रहा वन बाय टू सीकेंड स्केयर एक्स बाय टू इंटू रूट ए माइनस बी और रूट ए प्लस बी, ओके। हुण नैक्सट देखो ये मल्टीप्लाई हो रही टर्म्स, मल्टीप्लाई कर दीए इन्हों, वैसे तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर लगा के असीं इहनूं खत्म कर सकते हैं। सो इवें ही करते हैं, सब तो पहले देखो ये फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज़ ए माइनस बी और ए प्लस बी, इधर की आ रहा अपने कोल आ वाली टर्म मैं अगे लिख रही हूँ बेटा, दैट इज़ रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी इंटू वन बाय टू भी मैं अगे लै रही हूँ राजे, ठीक है। इधर अपने कोल बच गया ए प्लस बी अपॉन, इधर मल्टीप्लाई कर दें ए आ गया प्लस ए टैन स्केयर एक्स बाय टू, ए दे नाल मल्टीप्लाई करते हैं माइनस बी टैन स्केयर एक्स बाय टू, राइट। सो इधर की बचता नाल अपने को सीकेंड स्केयर एक्स बाय टू, ओके। हुण नैक्सट इकली इकली टर्म का असी अगर रूट कर देवे एक ही बन गया रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी, इधर आ रहा अपने को वन बाय टू रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी, ए माइनस बी नाल ही कैंसल तो टू नाल टू कैंसल, बचिया कि अपने कोल इंटू ए प्लस बी, ए ए वाली टर्म्स ए ए कॉमन कट लें, बी बी वाली टर्म्स कट्ठिया कर लें, ए कॉमन कट लें बचिया वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू, ठीक है बेटा, और बी कॉमन निकाल लेंगे बचिया साढ़े को वन माइनस टैन स्केयर एक्स बाय टू इंटू आ रहा अपने को सीकेंड स्केयर एक्स बाय टू, राइट। सो इधर देखो ये रूट रूट वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी, रूट ना रूट की होजूगा कैंसल, बचिया कि ए प्लस बी इंटू भी अपने कोल भी की चल रहा ए प्लस बी इंटू साडे कोल चल रहा सीकेंड स्केयर एक्स बाय टू, तो नीचे अपने कोल टर्म है वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू प्लस बी वन माइनस टैन स्केयर एक्स बाय टू, ओके। ये नाल ए प्लस बी एक ही हो गया कैंसल। हुण जरा फोकस करते हैं असी प्रूव करना वन अपॉन वन प्लस ए बी कॉज एक्स करना अपने प्रूफ कि सानू सीकेंड नहीं चाहिए, सो दैट मीनस सीकेंड नू भी टैन चेंज करना पेगा, ताकि हुण पहला जिहड़ी सिंपल टर्म बची है अपने कोलों लिख लैने आ सीकेंड स्केयर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू प्लस बी इंटू वन माइनस टैन स्केयर एक्स बाय टू, ओके बेटा।
हुण इहनू सोल्व करन लई आपां की करदे आं, वन क्योंकि सानू ए सिंगल चाहीदा, देखो प्रूफ दे विच ए की चाहीदा सिंगल, तो ये नाल की मल्टीप्लाई हो रहा वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू। सो सब तो पहला आपां इहदा बेस सेम करन लई आपां की करदे आं वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू नाल की कर दिंदे आं डिवाइड कर दिंदे आं। देखो अगर असीं इहनू डिवाइड करदे आं सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू भी डिवाइड किहदे नाल होजूगा वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू दे नाल, तो इधर भी असीं डिवाइड करांगे न्यूमीनेटर ते डिनोमीनेटर दोनों नाल डिवाइड करनी पौगी इहनू खत्म करन लई। ये क्यों किया बेटा हुणे ही तुहानू समझ आ जाणा है, प्लस की आ गया बी वन माइनस टैन स्केयर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू। ओके ये की होगी टर्म कैंसल है ना। हुण आपां नूं उपर सिंपल वन चाहीदा है, साढ़े कोल उपर की चाहिए आपां नूं सिर्फ तो सिर्फ वन चाहिए। हुण देखो आपां नूं पता है वन प्लस टैन स्केयर एक्स किहदे इक्वल हुंदा, छोटियां क्लासेस दे विच तुसीं प्रॉपर्टीज़ करके गए हो, वन प्लस टैन स्केयर एक्स इक्वल किहदे आंदा सीकेंट स्केयर एक्स। सो इत्थे असीं की लिख सकते हैं वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू की जगह पर सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू, ये की आ गया अपने कोल सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू अपॉन भी की आ गया सीकेंट स्केयर एक्स बाय टू, और इधर अपने कोल बच रहा ए प्लस बी इंटू वन माइनस टैन स्केयर एक्स बाय टू और वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू, ये की हो गया कैंसल। हुण बचिया कि अपने कोल वन अपॉन ए प्लस बी, हुण सानू इत्थे प्रूफ दे विच की चाहिए कॉस एक्स चाहिए बेटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तुसीं करके गए होने आ प्लस वन क्लास दे विच, कॉस टू एक्स के तीन चार फॉर्मूला तुसीं करके गए होने, दैट इज टैन दी फॉर्म दे विच कॉस टू एक्स का फॉर्मूला दैट इज़ वन माइनस टैन स्केयर एक्स अपॉन वन प्लस टैन स्केयर एक्स। देखो ये फॉर्मूला सेम आ रहा बस फंक्शन हाफ दे एंगल चाह रहा, अगर वो हाफ दे एंगल चाह रहा सो दैट मीनस फॉर्मूला कि बन जूगा साढ़े को कॉस एक्स का, यानी क्योंकि आजगा वन माइनस टैन स्केयर एक्स बाय टू अपॉन वन प्लस टैन स्केयर एक्स बाय टू। सो ये जगह तो असं की लिख सकते हैं कॉस एक्स। सो ये साडा रिजल्ट की हो गया प्रूफ, ठीक है बेटा।